इम्तियाज जलील के नेतृत्व में जन सैलाब। रामगिरी महाराज रितेश राणे पर क्या होगी कार्रवाई, एंकर सुधीर चौधरी ने मुसलमानों से किए कई सवाल। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील अहमद बागमारे। स्वामी रामगिरी महाराज और रितेश राणा के भड़काऊ भाषण के खिलाफ एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर से बॉम्बे तक तिरंगा संविधान बचाओ रैली की। इस रैली की वजह यह थी कि एक मंच से मुसलमानों को धमकी दी जाती है और 60 एफआईआर होते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस रैली के 4 अहम मुद्दे थे, एक रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए, दूसरा रितेश राणा पर कानूनी कार्रवाई की जाए और तीसरा कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चौथा मौलाना सलमान अजरी को रिहा किया जाए। इन मुद्दों पर इम्तियाज जलील के साथ हजारों की तादाद में जन सैलाब देखने को मिला। इस जन सैलाब को देखकर सब के सब घबरा गए। इन्हें मुंबई में दाखिल ना होने के लिए 3000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया था। अब आपको ये जानना भी जरूरी है, अचानक से रामगिरी महाराज और रितेश राणा क्यों मुसलमानों के खिलाफ बात करने लगे, क्यों हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, क्यों मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारने की बात कही गई, क्यों 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी देने की बात कही गई। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। जैसे कि आप सभी को पता है, चुनाव जिस भी राज्य में होने वाले होते हैं, एक खतरनाक प्लान के जरिए हिंदू मुसलमानों को बांटने की गंदी सियासत खेली जाती है, ताकि लोग जब ये नेता वोट के लिए आपके पास आए तो विकास का सवाल आप इनसे ना पूछे और ये लोग आपको मजहब के नाम पर डरा कर बांट कर आपका वोट हासिल करे। अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती तो इम्तियाज जलील अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाते, मगर इन्हें रोका नहीं गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एमआईएम को मुसलमानों का हीरो बनाया गया तो इसका सीधा सीधा फायदा महाराष्ट्र सरकार को होगा। मुसलमान दो हिस्सों में बटेंगे, एक कांग्रेस की तरफ और दूसरा एमआईएम की तरफ, और सीधा इसका फायदा महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को ही मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें। इस रैली के जन सैलाब पर इंडिया के एक गोदी मीडिया के एंकर हैं सुधीर चौधरी, जिन्हें लोग तिहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने करोड़ों की रिश्वत मांगी थी जिसे कैमरे में कैद किया गया था, तब इन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। ये नफरत बांटने वाला अपने व्हाइट एंड ब्लैक शो में बता रहा है कि मुसलमान आज से पहले कभी अपने रैलियों में भारत का तिरंगा नहीं पकड़ते थे, वो अपने रैलियों में हरे रंग के धार्मिक झंडे पकड़ते थे। और साथ ही साथ ये एक वीडियो दिखा रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में ये कहता है, मुसलमान इससे पहले अपने रैलियों में हरे रंग के झंडे पकड़ते थे। मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं, और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा, लेकिन पहले जब मुसलमान इस तरह की यात्राएं निकालते थे, विरोध प्रदर्शन किया करते थे, रैली किया करते थे, तब इनमें उनके हाथों में हरे रंग के धार्मिक झंडे होते थे। आप याद कर लीजिए, हरे रंग के धार्मिक झंडे उनके हाथ में हुआ करते थे इससे पहले। जबकि असल हकीकत यह है कि ये जो वीडियो ये दिखा रहा है, ये मुसलमानों का धार्मिक मुहर्रम का जुलूस है और धार्मिक जुलूसों में धार्मिक झंडों का ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। और इसकी गंदी सोच और इसकी हमेशा की तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश से पता चलता है कि
ये देश के एक बड़े हिंदू तबके को हमेशा की तरह भड़काने की ही कोशिश कर रहा है कि मुसलमान कभी भी भारत का तिरंगा लेकर रैली नहीं निकालते थे, वो तिरंगे से मोहब्बत नहीं करते, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ फैला रहा है और इस रैली के कामयाब होने पर ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये कहता है तिरंगे के साथ रैली निकालने के बाद क्या ये लोग बिना कोई आपत्ति के राष्ट्रगान पर भी बिना किसी आपत्ति के खड़े होना शुरू करेंगे? तिरंगे के साथ यात्रा निकालने के बाद क्या अब ये लोग राष्ट्रगान पर भी बिना किसी आपत्ति के खड़े होना शुरू करेंगे? दूसरा सवाल, क्या वो भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे? और तीसरा, उनके लिए पहले देश है या पहले धर्म है? इस व्यक्ति के अंदर कितनी नफरत भरी होगी, ये कह रहा है कि भारत के मुसलमान राष्ट्रीय गान पर खड़े नहीं होते, ये भी ये झूठ फैला रहा है। दूसरा सवाल ये करता है, क्या वो भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे? इस नफरती रिश्वतखोर तिहारी को पता नहीं, शायद भारत की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नारा ही है और ये नारा भारत से मोहब्बत करने वाले ही लगाते हैं, देशद्रोही नहीं। और रही माता की बात, तो मुसलमान अपनी माँ के सिवा किसी को या किसी चीज को माता नहीं कहते। और तीसरा सवाल ये करता है, उनके लिए पहले देश है या पहले धर्म? तो मैं इस बेवकूफ को बता दूं, हर धर्म के मानने वालों के लिए पहले उसका धर्म होता है और धर्म ही देश से मोहब्बत करना सिखाता है। इन जैसे जाहिलों की वजह से आज देश में नफरत की आग बार बार लगाई जाती है। और ये चाटुकार एंकर आगे कहता है, हमारे देश का मुसलमान बदल रहा है, ये बात पक्की है। तो मैं इस तिहाड़ी से यही कहूँगा, भारत का मुसलमान ना बदला है ना बदलेगा, वो कल भी देश से मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता है और कयामत तक करता रहेगा। काश तुम भी भारत से मोहब्बत करते तो ना ही इस तरह की बात करते, ना ही अपने चैनल में सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते दिखाई देते, जबकि देश की कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को छुपाकर भाई भाई को सिर्फ लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो देश के सभी नागरिकों के लिए ये खतरा है। ये एंकर खुले तौर पर मुसलमानों को देश से और देश के तिरंगे से, राष्ट्रगान से मोहब्बत इस रैली से पहले नहीं है कह रहा है, ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है। जबकि कोई भी हो जो किसी मजहब के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मगर यहाँ तो इसके वीडियो को वायरल करने का काम किया जा रहा है बिना इसके शब्दों को जाने। समझदारों के लिए ये न्यूज़ है, समझ में आए तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।